जी क्या आप 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए अपने एआई वाले चैनल पर, एआई वाले वीडियो को डाल डाल करके? तो 2-4 मिलियन जब आपका सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? स्पॉन्सर मिलेगा। एआई रिलेटेड चैनल को स्पॉन्सरशिप मिलेगी आज के टाइम पे, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। एआई की हेल्प लेके अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और लाखों में कमाइए। लोगों के यूट्यूब के वीडियोस ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं एआई टॉपिक पे बनाते हुए। एक बात मुझे बताइए, अगर इन बातों में इतनी सच्चाई होती तो जो क्रिएटर्स आपको ये बता रहे हैं वो खुद अपना चैनल क्यों नहीं खोल रहे एआई रिलेटेड? अगर सचमुच यूट्यूब मोनेटाइज कर ही देता और लाखों कमाई हो जाती तो एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम तो बना ही सकते थे ना, उसमें क्या दिक्कत है? फेस वैल्यू तो ऑलरेडी मेन चैनल पर काफ़ी लोगों की बनी हुई है, मगर ऐसा कर नहीं रहे ना, कुछ तो कारण होगा ना। आज की इस वीडियो में इसी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं एआई रिलेटेड चैनल बनाने में तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, और एआई रिलेटेड चैनल बनाने के लिए कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कॉस्टी, वेलकम टू माई चैनल टेक विद कॉस्टी। इस वीडियो को ना 2-3 पॉइंट पे तोड़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आप इस तरह का चैनल क्यों बनाना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है, 99% ऑफ द क्रिएटर चाहते हैं कि एक ऐसा चैनल मैं बना लूँ जिसमें सिर्फ मैं मेहनत करूँगा कंप्यूटर के थ्रू से या मोबाइल के थ्रू से, ना ही मुझे फेस दिखाने की ज़रूरत है, ना ही मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, और उस चैनल के थ्रू से इनकम शुरू हो जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा स्पॉन्सरशिप के थ्रू से, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से आराम से मेरे चैनल पे अर्निंग शुरू हो जाएंगी, पैसे हर महीने बैंक पे आ जाएंगे और एक साइड में सोर्स ऑफ इनकम रेडी हो जाएगा। ये है प्राइमरी रीज़न। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो शौक के लिए एक एआई चैनल बना के रख रहे हैं, जस्ट ट्रायल बेसिस के लिए, चला तो चला, ना चला तो ना चला, बहुत ऐसे कम लोग होंगे। तो पहला रीज़न क्लियर हो गया कि हम सब अगर इस तरह का चैनल बनाने का सोच रहे हैं उसका प्राइम मोटिव यही है कि वो चैनल से हमें इनकम हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस तरह के चैनल पे ना ही आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, फेस कैम नहीं दिखाने, कुछ नहीं करना है आपको। चैट जीपीटी के थ्रू से आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, फिर स्क्रिप्ट कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद कोई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से फिर आपने उसका MP3 बना लिया, उसको फिर एक सॉफ्टवेयर में जाके लेके लगा दिया, वहाँ पे जो भी आपको कैरेक्टर पसंद है उस कैरेक्टर के नीचे वो आवाज़ लगा दिया, AI के थ्रू से फिर उसकी स्क्रिप्टिंग जनरेट कर ली और आपका शॉर्ट फाइल रेडी हो गया है। और इस शॉर्ट फाइल को आप यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट आपने बनाया है। मगर इस चीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कंटेंट क्रिएट तो आपने किया है मगर यूट्यूब इस कंटेंट को आपका नहीं मानेगा क्योंकि इसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है। यही आ जाती है सबसे बड़ी बात, क्योंकि यूट्यूब की जो रीयूज की पॉलिसी है ना, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं वहां पर आपका चैनल चांसेस है कि फंस जाएगा। चांसेस मतलब 99.99% चांसेस है आपका चैनल जाके फंस जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपने जो वीडियो बनाए होंगे उसमें कैरेक्टर भी सेम होगा, आवाज भी सेम होगी, बस स्क्रिप्टिंग अलग होगी। बस आपने स्क्रिप्टिंग का काम किया है, वो भी एक्चुअली आपने नहीं किया है, आपने कंप्यूटर के थ्रू से जनरेट कराया है, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, रीयूज पे जाके फंस जाएगा। काफ़ी ऐसे क्रिएटर हैं जो ये भी कह रहे हैं ना कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आपके पास सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं होगा। स्पॉन्सरशिप आपको जब भी कोई क्लाइंट आके देता है ना, वो आपके फेस वैल्यू की वजह से आपको देता है या आपके कंटेंट को देख के देता है। एआई रिलेटेड चैनल को स्पॉन्सरशिप मिलेगी आज के टाइम पे, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, मगर उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर एआई रिलेटेड कंटेंट जनरेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारे ऑडियो या सारी वीडियोस जो होंगी ना, वो सारे शॉर्ट फॉर्मेट में होंगी, और आप जानते ही हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट में कमाई ना ही के बराबर है। आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू से कितना कमा सकते हैं, और स्क्रीन पे अभी आपको शो भी हो रहा होगा कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ अगर एक शॉर्ट्स में, उससे क्या ही कमाई हुई है, 200-250 रुपये। तो आप मान के चलिए अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आ भी जाते हैं, आपको बहुत व्यूज़ भी मिल जाते हैं, तब भी क्या आप 2-2.5 लाख रुपये कमा लोगे? ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पे एकदम विश्वास कीजिए, मत कीजिए, आप अपना दिमाग भी लगाइए और खुद सोचिए। मैं तो आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ ना, इसमें तो कोई झूठ नहीं हो सकता। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने अपनी इनकम या यूट्यूब के बारे में मेरी जो नॉलेज है, मैंने कभी क्लिकबेट नहीं किया, आपको हमेशा सच ही बताया है। अब फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या इस तरह का चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? तो मेरे भाई, इस तरह का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वीडियो अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पे क्यों कहा है कि AI रिलेटेड चैनल बनाना टाइम की बर्बादी है, जाके इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल है, छोटी सी वीडियो है मगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस तरह का चैनल क्यों मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब में जो रीयूज की पॉलिसी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से इस तरह का कॉन्टेंट मोनेटाइज नहीं होगा। सेकेंड, अगर मान लेते हैं कि आपको इस तरह का कॉन्टेंट बना के मोनेटाइज भी अगर करवा
करवाना है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनपुट कुछ ना कुछ उस कंटेंट पे डालना पड़ेगा। उनको इस चैनल को देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अगले ने मेहनत की है, एडिटिंग का काम किया या फिर वॉइस ओवर का काम किया या फिर कोई भी ऐसा काम करके अपनी इनपुट डाली है जिसके थ्रू से ये वीडियोज जब लोगों तक पहुंच रही है वहां पर भी कुछ वैल्यू एड हो रहा है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी ना तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा नहीं। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको मैं ये चीज कहूंगा कि जितनी मेहनत आप एआई रिलेटेड कंटेंट बनाने में करेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, फेस कैम नहीं करना है कोई बात नहीं, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए। आवाज रिकॉर्ड करने की भी बहुत रास्ते हैं, आप चाहे तो इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अपना चैनल बनाइए, खुद की आइडेंटिटी बनाइए, फ्यूचर में ग्रोथ आपको काफी ज्यादा मिलेगी। ये एआई आज है कल नहीं है परसों होगा, इस तरह के चैनल के पीछे अपनी मेहनत डालेंगे ना तो लास्ट में आप देखेंगे कि मेहनत तो आपने की मगर उस तरह का चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ, तो सारी मेहनत फिर बेकार हो जाएगी, क्योंकि यही पॉइंट हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है या कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे वहां से पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं @IamKosti, ये मेरी आईडी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके पास कोई भी फीडबैक है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।